नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आप सबके साथ एक अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करते हैं जो कि हमने अपने लाइफ में अपने प्रेगनेंसी टाइम में जो चीज़ अपने अनुभव किया है वही आप लोगों के साथ साझा करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए जिससे कि औरों को भी जानकारी मिले और साथ में हमें भी फ़ायदा हो, क्योंकि हर कोई फ़ायदे के लिए ही है। आपको पता ही है हम भी वीडियो बनाते हैं अपने फ़ायदे के लिए और आप भी वीडियो देखते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो वीडियो स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए और जानकारी अच्छी लगा करे तो कमेंट भी कर दिया कीजिए। आप लोग के लाइक नहीं होते लाइक भी कर दिया कीजिए जिससे कि हमें भी अच्छा लगे और हम भी अच्छी अच्छी वीडियो इसी तरीके के बनाते रहें। तो एक चीज़ हमेशा सब बोलते हैं ना कि प्रेगनेंसी में सोना नहीं चाहिए, सोने से क्या होता है, क्यों नहीं सोना चाहिए, तो उसी बारे में हम जानकारी लेके आए हैं आपके साथ। वही साझा करना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी में क्यों नहीं ज़्यादा सोना चाहिए। तो ये होता ना कि जैसे गर्भ में पल रहा बच्चा जो माँ करती है वो बच्चे पे पूरा असर करता है, ये तो आप जानते ही हैं, जानती हैं हमारी बहनें। और जो नहीं जानती हैं उनको बता दें कि कहते हैं कि जब बच्चा पेट में होता है तो जो आप अगर भक्ति में जाएंगी तो बच्चा भक्ति में, जिस भी धर्म के हैं जैसे मुस्लिम हैं तो नमाज वगैरह पढ़ते हैं तो बच्चा भी देख के पढ़ता, हिंदू है तो पूजा पाठ करते हैं तो बच्चा भी देख के करता। तो ये सारे संस्कार पेट से ही आते हैं बच्चों में और पेट से ही ये सारे संस्कार मिलने लगते हैं। तो जैसे जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, माँ पढ़ती है तो बच्चा भी पढ़ता है, खाने के लिए जो अच्छा लगता है बच्चे को भी, मतलब मोस्टली ऐसा होता है माना जाता है। तो ज़्यादा सोने का भी इसी से जुड़ा हुआ है, या गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी आवश्यक है कि पूरी नींद ली जाए और वो बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो नींद लेना भी बहुत 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 ज़रूरी है, इससे बच्चा मतलब आप भी चिड़चिड़ा नहीं होगी फिर बाद में बच्चा भी चिड़चिड़ा नहीं होगा। लेकिन उसी प्रकार से जैसे कि नींद लेना भी ज़रूरी है, उसी प्रकार अगर हमेशा लेटे रहे तो आप सुस्त हो जाएंगे, फिर आप सुस्त रहेंगे तो बच्चा भी सुस्त होगा, मतलब बच्चा भी एक्टिव नहीं रहेगा, बच्चा भी सुस्त सुस्त रहेगा बहुत, उसको भी नींद आती रहेगी, सोता रहेगा, और सोने से तो दुनिया चलती नहीं है, अपनी भी लाइफ नहीं चलेगी। तो मतलब आप एक कुल मिला के ये कहने का मतलब बताते पर है कि एक्टिव रहना चाहिए, एक्टिव रहेगी तो बच्चा भी एक्टिव रहेगा, बच्चा भी आके फुर्तीला रहेगा, चुस्त तंदुरुस्त रहेगा। और ऐसे मान लो कि तंदुरुस्ती हर तरीके की है और बच्चा फिर सुस्त सुस्त है तो वो भी नहीं अच्छा लगता है ना। तो इसलिए माँ को सोना भी ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कि बाहर बिस्तर में पड़े हैं पूरा टाइम नींद ही ले रहे हैं तो ऐसे ना एकदम नींदाड़ टाइप के हो जाएंगे और उसी टाइप का फिर बच्चा भी आपका होगा, फिर आपको आगे बहुत दिक्कत होगी। मतलब प्रेगनेंसी में आराम करने का तो बहुत मन करता है, कुछ नहीं करने का मन करता है, पर रहता है ना कि आप चलते फिरते रहोगे तो आपका शरीर फुर्तीला रहेगा और एक्टिव रहोगे, और ये आपके नॉर्मल डिलीवरी के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बाकी तो आपकी प्रेगनेंसी कैसी है, कॉम्प्लिकेटेड है, क्या है क्या नहीं है, वो तो डॉक्टर ही बता पाएगी, तो संपर्क कर लीजिए। क्योंकि मेरे साथ ट्यूमर था और काफ़ी बड़ा ट्यूमर था, डॉक्टर बताती थी, और हीमोग्लोबिन भी कम था और बहुत सारी, और थायराइड भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तो ये सारी मेरे साथ बहुत सारी दिक्कतें थी। तो मेरा तो ऑपरेशन से ही मेरी बिटिया हुई, तो बहुत, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। तो ये हर किसी की अलग अलग प्रेगनेंसी होती है, हर किसी का अलग अलग दिक्कतें होती हैं, सबके साथ एक जैसा हो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ जो हुआ है वही मेरे साथ हो या मेरे साथ जो हुआ हो ऐसा ही आपके साथ हो। तो ये वजह होती है कि बहुत ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। और आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।